अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये देखे मिरहा यहाँ पे हो गई है तैयार। मिरहा ये देखो, अस्सलाम वालेकुम करो सबको। मिरहा अस्सलाम वालेकुम बेबी। यार इसके अंदर बेबी बनी हुई है, उसको प्यार कर रही है, हगी भी कर रही है उसको। अच्छा मन्ना अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको, इधर देख के बोलो, मम्मा की तरफ देख के बोलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, बोलो कैसे आप सब लोग। आप ही बोलेगी? अच्छा भाई आप ही आप बोलो, आप नहीं बोल रही, कैसे आप सब लोग। बोलो तो गाइस अभी आप जा रही हैं मदरसे और नबीला गई है डेंटिस्ट के पास, उनके दांत में दर्द था, तो अभी का टाइम नहीं है। तो आज सभिया और तहा अकेले ही जाएंगे मदरसा। तहा अभी तक स्कूल से आए नहीं है, बस आते ही होंगे, और हमने भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री हुए हैं, और घर सब जो है लंच वगैरह की तैयारी करनी है। आप लोग सब कैसे हैं, क्या है? और आज का मौसम बहुत ही गाइस अच्छा हो रहा है बाहर की तरफ। चलिए सुबह रूटी देखते होगी हैं ना। बारिश होती है या नहीं होती है। नहीं सुबह तो नहीं हुई, हफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बस यही दुआ है कि बारिश हो जाए ताकि जो थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हफ्स बहुत हो रहा है। तो भाई ता ये क्या पिला रहे हो इसको, क्या पी रही है ये? अच्छा आप चलो तुम लोग दे दो भैया, जरा इधर आना। हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे। सामने सामने देखो ना, आपको कुछ दे रही है लोग, आपको कुछ दे रही है। मेरा देखेगा, हाँ मैं पहले पहले मैं तुम दिखाऊंगी, देख क्या क्या लिखा है इसको खोलो। कुछ काल दिखाओ गया हैप्पी, उसको खोलो। ये आपका नाम था, आपका पहला बट्टी है ना, देखो ब्रदर बंद करो उसको, अभी खोलो। बताओ ता कैसा बना है? मैं देखो मैंने उसका टीवी बनाया है। वाओ ना ता थैंक यू तो बोलो। ऊपर छुआ है, अंदर से लिखा है आई लव यू भाई, आई लव यू भाई, आई लव यू पागल भाई, आपके आप एक दुनिया के बहुत अनोखे, आप अनोखे अमीर हो, अनोखे अमीर भाई हो। भाई घर है पागल। ताहा आपने थैंक यू बोला, थैंक यू। हमें स्कूल है, हमें भी कुछ दे भाई है। मैं उसको बोले यार था बोलो, घर वाले दिन से ना इनको 50-50 रुपये दे बोलो। माँ अबे चल कोई नहीं, 50-50 मम्मा नहीं दे रहे, दे रहे। अब मेरा मुंह से मांगा है तुम लोगों ने, मम्मा के पर्स से मुंह से मांगा है, मम्मा मुझे पर्स से निकाल कर चमाट पड़ेगी मुंह पे, बातें से सिखाई है तो। अच्छा अभी किससे बनाया? फबिया ने। सीधा करके बताओ ता। हां ये देखो, हैप्पी ब्रदर डे, ये आपका स्माइली फेस, आई लव यू भाई, पीछे बस ब्लैंक। इसके बाद अच्छे तो गाइस ब्रदर्स डे पे फबिया नबीला ने जो है तहां को कार्ड दिया है, तो थैंक यू बोलो। थैंक यू। ये पैसे निकाल, पैसे निकाल, चल नहीं पैसे निकाल, बहने लूटना शुरू हो गई। पैसे निकालो, बहनों का काम ही होता है लूटना, सबको लूटना होता है। पैसे निकाल, इसको भी तो चलो। मैं बोल पैसे निकाल, मैं बोल पैसे निकाल, 200 रुपए में चारों दो, 500-50 पैसे निकाल, बोलो पैसे निकाल, बोलो उसको पैसे। हम आपको देने पड़ेंगे, इसका मैंने गावा है, इसने बोला भैया पैसे निकाल, भैया पैसे निकाल। अच्छा किससे मुझे याद दिया। आई लव यू, आई लव यू भी लिखा है इसके अंदर। वाओ। मम्मा ताहा आपको पता है आज कौन सा दिन है? पता है आपको? आज है चोरों का दिन, हैप्पी ब्रदर्स डे, आज भाइयों का दिन है। भाइयों को कुछ देना चाहिए ना बहनों को। भाई चलो निकालो 50 लाख, भाई 50-50 रुपए निकालो भाई। मम्मा खाले आज आपका दिन है, आप बोलो इनको, मेरी ना मेरे खाला वाली इनको 50-50 रुपए दे दो।
दादी बुला रही है शायद, दादी बुला रही है, एक मिनट देखो दादी शायद बुला रही है, जवाब दो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं ब्लॉग को शूट कर रही हूँ, ऑल ओवर हमारा किचन है, पूरी किचन है, किचन में मैंने आज बनाने आई हूँ मैं यहाँ पे चिकन का कीमा, राइस मेरे बन गए हैं और चिकन का कीमा मैं बना रही हूँ। कीमा जो है यहाँ पे मैंने रखा है वॉश करके, और ये कल की खाने की तैयारी, मैंने कहा गोश्त वगैरह बनाना है तो इसको जो है मैंने वॉश कर लिया है, तो यहाँ पे इसको वॉश करके रख देंगे। तो गोश्त जब धुला हुआ होता है फ्रिज में राइस, तो बस उसको निकाल के धोने की टेंशन नहीं होती, और बस बिना बनाना होता है, क्योंकि वैसे ही जो है गोश्त को बनने में टाइम लगता है, तो फिर उसको पिघा लो, फिर धो, फिर रखो। तो इसको मैं धो के रख दूँगी ताकि मुझे जब भी बनाना हो तो ईजीली डायरेक्ट बना लें और धोने की टेंशन ना हो, तो हमारा जो है फ्रीज़र वाला बन जाता है फ़ौरन से। तो कौन कौन ऐसी हरकतें करता है, कौन वूमेन जो है ऐसी हरकतें करती हैं कि धो के रख देती है ताकि एंड टाइम पे धोना ना पड़े, वेट ना करना पड़े, और मसाला डाला, भूना और डाल दिया। तो कौन कौन ऐसी हरकत करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी करते होंगे मुझे पता है। और ये चिकन है, चिकन का ये कीमा है, वॉश कर लिया है इसको मैंने, तो इसको मैं मसाला भुन जाएगा तो मसाले में डालूंगी, और आज हम चिकन का कीमा खाएंगे चावल के साथ, तो बहुत मज़े का लगता है। चिकन का कीमा फ़ौरन झटपट यूँ करके बन जाता है। तो बस गाइस फटाफट खाना बनाते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। नहीं ना, फुल है, छोड़ दे, फुल है, छोड़ दे, आ जाओ। गाइस हम लोग जा रहे हैं मोबाइल लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं। हमने मोबाइल सही करवाने के लिए जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अभी तो कुछ सही हुआ ही नहीं है, तो आज हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। तो मेरा और नबीरा मेरे साथ हैं गाइस, और आज इतनी गर्मी है, बस अलग करे बारिश हो जाए ना रात तक, बहुत हफ्स हो रहा है, इतना हफ्स हो रहा है कि बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं, काम तो दूर की बात है, बैठे बैठे इतने पसीने आ रहे हैं हम लोगों को। तो बस अब ये लिफ्ट का मैं वेट कर रही हूँ, लिफ्ट को कॉल करती हैं। क्या कर रही हो, आ जाओ, चलिए चलते हैं, जाते हैं, जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, मोबाइल दिया हुआ है तो देना पड़ेगा। आप करो शूट, मैं शूट करती हूँ। तो गाइस लिफ्ट आ गई है, अरे गाइस लिफ्ट आ गई है, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, और ये मीनू, और ये लिफ्ट, ये भी लिफ्ट। हाँ जी, कभी लिफ्ट आएगी आपको मैं यहाँ का मौसम शौसम दिखा दूँ। ऊपर अभी बारिश के कोई चांसेस नहीं लग रहे, आपको इतना दिखा दूँ, घर के कोई चांसेस नहीं है। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड अच्छा, यहाँ पे बारिश होती है ना तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती, बस कतरे कतरे थोड़े से आते हैं। और जो वहाँ पर जो ग्राउंड है ना, वाला जो ग्राउंड है यहाँ पे ना, तेज़ बारिश आती है, लेकिन यहाँ बहुत गंदे की जगह, यहाँ पे भी खास बारिश नहीं, हल्की हल्की आती बारिश। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो अभी आपको मिलते हैं नीचे पार्किंग में। पहले हमें 10 मिनट के बाद जो है लिफ्ट मिली है, बहुत मुश्किल से, और इतनी गर्मी में कसम से नहा है। चलो आ जाओ नबीरा, नीचे उठाओ इसको, पकड़ो। तो मेरा जो है सीढ़ियाँ उतर रही हैं, देखिए मजे से हम उसको ना सीढ़ियाँ यूँ उतारते हैं, यूँ करके यूँ करके उतारते हैं उसको सीढ़ियाँ, शॉर्टकट है ना मन्ना, शॉर्टकट उतारते हैं हम इसको, पकड़ के जंप लगवा के मन्ना, देखिए ऐसे इसको हमने उठाया और यूँ ये सीढ़ियाँ उतरती है इस तरीके से। वाले की शॉप जो है आगे कॉर्नर पे है, तो चलिए चलते हैं, अंधेरा हो गया, रात का टाइम हो रहा है, ये करीब 9:15 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे तो रश होता ही है, 10 बजे के बाद यहाँ पे सन्नाटा हो जाता है, सारी शॉप खत्म हो जाती है। तो हमने आगे पैदल जाना है, पहिया पहिया जाना है अभी उस तरफ, तो हम जा रहे हैं वहाँ की तरफ। नहीं
चलिए गाइस चलते हैं वहाँ। अच्छा वॉक थोड़ी बहुत जो वॉक हो जाती है ना रूटीन में होनी चाहिए, आप रोज़ 5-10 मिनट के लिए कहीं ना कहीं नियर बाई घर से निकल जाया करें, तो इस बहाने जो है हमारी वॉक हो जाती है और हमारा खाया हुआ पिया हुआ हजम हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, इससे जो है हमारी आउटिंग भी हो जाती है, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है और तो एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। तो कभी नियर बाय आपके कोई पार्क है या कोई शॉप है या कोई मॉल है तो कोशिश करें एक दिन छोड़ के एक दिन जाया करो, टाइम निकालो, इससे आप एक्टिव रहेंगे।